गणेश उत्सव के पावन पर्व पर शहर भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी श्रृंखला में कैपिटल हाइट्स श्री गणेश उत्सव मंडल द्वारा 10 दिनों में विभिन्न रंगों की थीम रखी गई है और कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। आज गणेश उत्सव के दूसरे दिन येलो थीम है, जिसके अनुरूप गेम और स्किट का आयोजन भी किया गया। आइए देखते हैं एक झलक। गोष्टी आवडतात गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका। एकदंता विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदया। दर्शकों, पूरे महाराष्ट्र में बोले तो पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है और इसी बीच हमारा नागपुर ऐसा शहर है जहां की सभी प्रकार के लोग रहते हैं और गणेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है टाटा हाइट्स में जहाँ की गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं श्री की मूर्ति जिस प्रकार से स्थापित हुई है, इसी प्रकार से आज हम एक गेम खेलने वाले हैं और पूछने वाले हैं बापा के विषय में कौन कितना जानता है। तो आइए देखते हैं कौन कितना जानता है हमारे प्यारे गणेश जी के बारे में। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं कैपिटल हाइट्स के कुछ भाविकों से जो कि आज गणपति के पंडाल में उपस्थित है। हमारे साथ मैडम मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आपका? भाग्यश्री नेहते। भाग्यश्री मैम हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ उनका पुत्र उनका बेटा भी मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? विवान नेहते। तो मैडम, आज हम आपके साथ एक गेम खेलने वाले हैं। गणेश उत्सव चल रहा है और गणेश जी के बारे में कौन कितना जानता है ये हमें दर्शकों को बताना है। और जो हम मेरे हाथ में जो आप गिफ्ट देख रहे हैं ये BCN परिवार की ओर से आपको मिलेगा यदि आप 3 क्वेश्चंस के आंसर सही तरह से दे पाती है। तो सबसे पहला और सरल क्वेश्चन, गणेश जी के पिताश्री का नाम क्या था? शंकर महादेव। गणेश जी की माता का नाम क्या था? माता पार्वती। बेटा कौन था? आप कंफर्म हो मम्मी के इस जवाब से? हाँ। तो और तीसरा क्वेश्चन जो कि काफी स्तर से थोड़ा हटके है, गणेश जी के ससुर का नाम क्या था? ये आंसर नहीं बता सकते। आपको पता है बेटा? वो बैल नहीं। तो गणेश जी के ससुर का क्या नाम था, ससुर का क्या नाम था, इस क्वेश्चन पे हमारी गाड़ी अड़ी हुई है। यही क्वेश्चन लेकर जाते हैं दूसरी फैमिली की ओर और देखते हैं ये जो है ये सोने का पिटारा किसको मिलता है। दर्शकों, जिस प्रकार से मैच में भी सुपर ओवर होता है उसी प्रकार से सुपर क्वेश्चन का भी प्रावधान इस वक्त किया गया है BCN परिवार की ओर से। तो हमारा सुपर क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा इजी थोड़ा कठिन। गणेश जी को कितनी पत्नियां थी? गणेश जी को 5 पत्नियां थी, लेकिन रिद्धि और सिद्धि ये उनकी सबसे खास पत्नियां थी। बोले तो मुख्य तौर पर उनकी रिद्धि और सिद्धि 2 पत्नियां थी। आपको लगता है बेटा सवाल सही है मम्मी का? हाँ, सवाल का जवाब सही है। या मेरा सवाल सही है? हाँ। मेरा सवाल भी सही है और लॉक किया जाए, जवाब भी सही है। तो BCN परिवार की ओर से भाग्यश्री मैम को मिलता है ये सुंदर सा गिफ्ट और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप काफ़ी जानती है गणेश जी के बारे में और गणेश जी के विषय में, क्योंकि भक्ति ही आवश्यक नहीं होती तो उस भगवान के विषय में जानना भी काफ़ी आवश्यक होता है। और यही हिंदू सनातन की खूबसूरती है कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ तो जानता है और ये हिंदू संस्कृति की खूबसूरती है। दर्शकों, जिस प्रकार से हम जानते हैं श्रीमद् महागणाधिपति कला गुणों के दाता है विद्यादाता श्री गणेश और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक अच्छे सिंगर कैपिटल हाइट्स के जो कि काफ़ी अच्छे सॉन्ग गाते हैं चंद्रप्रकाश चतुर्वेदी, जिनसे हम गवाएंगे बाप्पा का ही एक सॉन्ग।
तो आपको सॉन्ग गाना है, हमने सुना है ऐसा कि आप काफी अच्छा गीत गाते हैं, इसी का प्रमाण आप दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा। मैं कैपिटल हाइट का रेसिडेंस हूँ, चंद्र प्रकाश चतुर्वेदी। आप सभी के सामने एक गणेश जी पे दो लाइनें गाता हूँ। ज्वाला सी जलती है आँखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह भी क्या उसका आरंभ क्या है वो और क्या परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा है जिसकी रखवाली किया रे। करता साया तेरा है देवाशी गणेशा, देवाशी गणेशा, देवाशी गणेशा, देवाशी गणेशा। धन्यवाद। धन्यवाद, काफ़ी अच्छा सॉन्ग आपने गाया है। दर्शकों, जिस प्रकार से हम जानते हैं गीत एक गीत नहीं होता तो काफ़ी भावनाओं से भरा एक समुंदर होता है, और उस समुंदर की बूंद भी कोई गा ले तो ऐसा लगता है कि समुंदर में डुबकी लगा ली। और गाना अगर बाप्पा का हो तो क्या ही कहना। इसी गणपति बाप्पा मोरिया के धुन के साथ जिस प्रकार से कल श्री की स्थापना कैपिटल हाइट्स में हुई है, आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ किया गया है। आज सेकंड डे है और सेकंड डे में येलो थीम रखी गई है। आपको विशेष रूप से बता दें कि कैपिटल हाइट्स में विभिन्न रंगों की थीम रखी गई है, आज पीले रंग की थीम है जो कि बोल सकते हैं समृद्धि का प्रतीक है। पीला रंग जो कि गणेश जी को भी काफ़ी प्रिय है और माँ लक्ष्मी को भी काफ़ी प्रिय है, और हर साल ये इसी प्रकार का आयोजन होता है, ये काफ़ी विशेष रूप से बताने वाली बात है। ये 10 दिन जो प्रोग्राम होता है, इस 10 दिन के प्रोग्राम में हर रोज अलग अलग कलर होता है, हर रोज अलग अलग गेम्स, अलग अलग इवेंट्स होते हैं जो कि यहीं के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, व्यापारी और हमारे कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जो राजनीतिक भी हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे नागपुर शहर में। ये थीम, रंगों की थीम रखने के पीछे का क्या? रंगों की थीम रखने का सिर्फ एक ही कारण है कि हर एक रंग जो होता है उसका एक कारण होता है, हर एक रंग का एक मतलब होता है। आप उसको, उस रंग को रखने से यहाँ पर हर तरीके के अलग अलग रोग हैं और हर तरह के लोगों को एक समूह लाने का ये प्रतीक है गणेश फेस्टिवल जिसको मनाया जा रहा है। इसलिए इस अलग अलग भिन्नों को, रंग को चुना जाता है कि भाई हर लोग अपने अपने रंगों को मिलके एक साथ ये 10 दिन का प्रोग्राम मनाया जाए और यहाँ पे एकत्रित हो। रंग रंग से रंगा सजा तिरंगा प्यारा, जिस प्रकार से हमने सुना था कि विभिन्न रंगों के साथ हमारा तिरंगा सजा हुआ है, और इसी रंगों की शाश्वती देने के लिए कैपिटल हाइट्स में विभिन्न रंगों की थीम यहाँ रखी जाती है, जो काफ़ी ही सराहनीय बात है। दर्शकों, इस पूरे आयोजन में काफ़ी विशेष रूप से सहयोग देने वाले टाटा कैपिटल हाइट्स के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से आयोजन होता है और क्या वो जनता को बोलना चाहेंगे। गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है, आज येलो थीम रखी गई है, क्या कहना चाहेंगे जनता से और क्या बोलना चाहेंगे, आपकी भावनाएँ यहाँ व्यक्त कीजिए। ये जो देश है ये सारे रंगों से मिला हुआ ये देश है, और हम लोग जो यहाँ पर टाटा कैपिटल हाइट्स में जो थीम रखने का जो मकसद है वो ये है कि उसमें सर्वधर्म समभाव की भावना सारे रेसिडेंट में जागृत हो। यहाँ के सारे जो रेसिडेंट है वो सारे जाति और धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसमें हम लोग सारे लोग एकजुटता से इस उत्सव को, गणपति बाप्पा के उत्सव को हम लोग यहाँ पर मनाते हैं, सारे लोग सम्मिलित होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ टाटा कैपिटल सोसाइटी में 352 फ्लैट्स ओनर है, लेकिन हम लोग ऐसा लगता नहीं, एक फैमिली की तरह हम लोग यहाँ रहते हैं और एक फैमिली की तरह हम इसको बहुत उत्साह से हम लोग मनाते हैं, और यही यहाँ की जो है यही हमारी मतलब मेन असेट है। बोला जाए तो टाटा कैपिटल हाइट्स दूसरा गोकुल धाम सोसाइटी। हाँ, बोला जाए मतलब ये तो गोकुल धाम सोसाइटी तो हम लोग टीवी में देखते हैं, लेकिन ये तो है एक वास्तव में है जो एकदम रियलिटी है, और नागपुर की सबसे प्रीमियर सोसाइटी में इसका जो नाम है और वो जैसा नाम है वैसा ही यहाँ का काम है। सारे लोग गणपति बाप्पा का यहाँ जय जयकार पूरे दिन यहाँ करते रहते हैं और श्रद्धा में लीन होके बाप्पा को मतलब सबके लिए एक अच्छी आरोग्य, अच्छे धन संपदा और अच्छे उनको ये मिले, आयुष्य मिले, उसके लिए यहाँ पर हमेशा मतलब
करते रहते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने जाना कि काफ़ी सर्वधर्म समभाव का संदेश भी यहाँ इन्होंने दिया है, लेकिन हम बीसीएन परिवार की ओर से विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि मैंने जैसा गोकुलधाम सोसाइटी का जो नाम लिया है, बीसीएन परिवार किसी भी शो का या किसी भी व्यक्ति विशेष का यहाँ प्रमोशन नहीं करना चाहता। मैंने जो गोकुलधाम सोसाइटी का नाम लिया है, कहीं ना कहीं भावनाएं से सूचीबद्धता रखने के लिए ये कहीं ना कहीं इस जगह मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। दर्शकों, और एक बार लेकर आए हैं जादू का पिटारा, देखते हैं किसकी किस्मत में है बीसीएन का ये जादू का पिटारा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और एक प्रीटी कपल बोल सकते हैं, काफ़ी सुंदर जोड़ी लग रही है सर आपकी, और गणेश उत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ हम एक गेम खेलने जा रहे हैं जहाँ की हम गणेश जी के विषय में कुछ पूछेंगे आपसे, 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, एक आपका सुपर क्वेश्चन रहेगा, यदि आप 3 क्वेश्चन के सही तरह से जवाब देते हो तो आपको ये तीसरे ही क्वेश्चन पे जादू का पिटारा मिलेगा, यदि नहीं दे पाते हो तो चौथा जो क्वेश्चन है सुपर क्वेश्चन के तौर पर भी प्रावधान हमने रखा है। तो सबसे बड़ा सवाल आज का कि गणेश जी के ससुर का नाम क्या था? क्या नाम था बताओ सर, आपको पता है? काफ़ी सस्पेंस भरा सवाल है, इसी सवाल पे कहीं ना कहीं पिछली जोड़ी भी अड़ी थी, तो इसका जवाब भी मैं इस वक्त दे देता हूँ। गणेश जी के ससुर के नाम पे कहीं ना कहीं गाड़ी अड़ी हुई थी, और एक प्रतिभागी जुड़े हैं जिनसे हम जानेंगे। क्या था ससुर जी का नाम गणेश जी के? नो आइडिया। आइडिया किसी को भी नहीं, तो आते हैं दूसरे सवाल पर। श्री गणेश ने ऐसे कौन से ग्रंथ लिखे थे जहाँ की वो राइटर के रूप में थे? मैडम आपको पता है? पास। दो सवाल छूट चुके हैं, अब तीसरा सवाल आपके समक्ष। अब इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन आपके ज्ञान की यहाँ परीक्षा तो जरूर होगी। तो सवाल की गणेश जी के बेटों का नाम क्या था? गणेश जी के बेटों का नाम क्या था? शुभलाभ। पहला सवाल काफी, और आते हैं मैडम की तरफ हम। दर्शकों, जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन मिल चुका है, 3 क्वेश्चन में जहाज डूब चुका है, लेकिन यहाँ जहाज उभरने की कहीं ना कहीं गुंजाइश नजर आ रही है। तो गणेश जी के बेटों का नाम था शुभ और लाभ, और गणेश जी की शुभ लाभ की माता का नाम क्या था? माताओं का नाम क्या? रिद्धि सिद्धि। कितनी पत्नियां थी गणेश जी को? दो पत्नियां थी। विशेष रूप से बताया जाए तो सभी को पता है दो पत्नियां थी, लेकिन गणेश जी की थी 5 पत्नियां, जो कि थी रिद्धि सिद्धि तुष्टि उष्टि और श्री। ये 5 पत्नियां गणेश जी की थी, लेकिन कंसीडर करते हैं क्योंकि पूरे विश्व को पता है कि गणेश जी की मात्र 2 ही पत्नियां थी। तीसरा सवाल आपके लिए, तीसरा सवाल मुझे भी सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जादू के पिटारे से मुझे भी काफ़ी प्रेम है। तो तीसरा सवाल आपके लिए, श्री गणेश जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा जो जहाँ की वो राइटर के रूप में थे? नो आइडिया। सुपर क्वेश्चन आपके लिए लास्ट, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा बोल सकते कठिन और थोड़ा सा इजी भी। गणेश जी बोल सकते, गणेश जी का जन्म कौन सी तिथि पे हुआ? भादोवदी चतुर्थी को, भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी को श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, जो कि जिनका निर्माण की माँ पार्वती ने अपने मेल से किया था। तो आपको मिलता है ये बीसीएन परिवार की ओर से, बीसीएन परिवार के सोने का पिटारा बीसीएन परिवार की ओर से मिला है आपको, काफी बधाई। क्या बोलना चाहेंगे आप दर्शक? ये बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस गणेश पूजा में, बड़े से छोटे लोग को सबको मतलब मौका पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, और हम 11 बजे तक अपने यहाँ से घर सकते नहीं हैं। दर्शकों, और एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, गर्ग फैमिली, जिनसे हम जानेंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे सर आपसे हम, काफ़ी ट्रिकी से सवाल और इजी से सवाल है, गणेश जी के बारे में ही है, आपसे या मैडम से, दोनों में से आप 3 सवालों के यदि सही तरह से जवाब दे पाते हैं तो आपको ये बीसीएन परिवार की ओर से गिफ्ट मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल, गणेश जी को खाने में सबसे प्रिय क्या है? मोदक। क्या प्रिय है? मोदक। कोई कोई तो लड्डू भी बोलते हैं फिर? नहीं नहीं, मोदक है। तो कॉन्फिडेंस का स्तर भी काफी है, तो सही सवाल और सही जवाब, जवाब सही है पहला। और दूसरा सवाल ये है
कि गणेश जी को पत्तियों में क्या चढ़ता है? काय में चढ़ता? पत्तियों में, पत्तियों में दूबा, दूर्वा, दूर्वा, दूबा जिसे कि कोई दूर्वा बोलता है वही है दूर्वा। दूसरे सवाल का भी सही जवाब मिला है और तीसरा सवाल सुपर सवाल आपके लिए, गणेश जी के बेटों का नाम क्या था? कार्तिक। नहीं, ये आपको बताओ। कार्तिक है। गणेश जी के बेटों का नाम शुभ और लाभ था, लेकिन फिर भी आपको तीसरा चौथा सुपर क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि गणेश जी के माता का नाम क्या? पार्वती। माँ पार्वती के बेटे थे श्री गजानन, जो कि ट्रिकी और सरल सा सवाल और सरल सा जवाब था और गर्ग फैमिली को मिलता है बीसीएन परिवार की ओर से गिफ्ट रैपर। दर्शकों, और एक अग्रवाल फैमिली हमारे साथ मौजूद है कैपिटल हाइट्स में, जिनसे कि हम जानेंगे क्वेश्चन के जवाब। और सबसे पहला सवाल आपके लिए रुक थाम के सवाल पूछ रहा हूँ सबसे पहला आपको कि गणेश जी के नाना का नाम क्या था? गणेश जी के नाना का नाम मतलब पार्वती के पापा, क्या नाम था? हिमालय राज। दर्शकों, हिमालय राज की पुत्री थी माँ पार्वती। सही सवाल का सही जवाब, पहला सवाल यहाँ निकलता हुआ। दूसरा सवाल, आपको पता है एक कहानी आती है प्रथम पूज्य गणेश की, जब प्रदक्षिणा की प्रतियोगिता हुई थी तो गणेश जी ने किसकी प्रदक्षिणा लगाई? हाँ, उनको बोला था राउंड लगाया, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स का लगाया था, शंकर पार्वती का राउंड लगाया था, तो इट वॉज एज गुड एज लाइक पूरे विश्व का ब्रह्मांड का फेरी लगा ली वो। माता पिता में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है और इसकी सबसे पहले संदेश दिया है श्री गणेश ने। दूसरे सवाल का भी सही जवाब। तीसरा सवाल कि गणेश जी के वाहन का नाम क्या? चूहे का नाम, चूहे को पुषक, पुषक राज, पुषक राज। मुझे तो गलत लग रहा है। नहीं, पुषक राज ही है। लॉक किया जाए? लॉक डन। तो तीसरा सवाल भी लॉक किया गया और काफ़ी खुशी के साथ बोलना पड़ रहा है, लेकिन कुछ दुख भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि रेफर जा रहा है, लेकिन बीसीएन परिवार की ओर से रेफर जा रहा है। गणेश उत्सव के इस पावन पर्व पर अग्रवाल फैमिली को मिलता है बीसीएन परिवार की ओर से ये गिफ्ट। थैंक यू। ये हमारा इवेंट बहुत ही अच्छा है, नागपुर का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है और हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग आके देखें। हमारी इस बार का पर्टिकुलरली डेकोरेशन मूर्ति आउटस्टैंडिंग है और हमको लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा मिला है और ये इवेंट एक यूनिटी दिखाता है, डाइवर्सिटी फिटी में एक अच्छी यूनिटी है, सब लोग हमारे यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा इवेंट है हमारे यहाँ का। थैंक यू। दर्शकों, आज है गणेश उत्सव का दूसरा दिन और जिस प्रकार से हमने जाना कि कैपिटल हाइट्स में किस प्रकार के कार्यक्रम लिए गए हैं और काफ़ी लोगों ने गिफ्ट्स भी जीते और जानकर खुशी हुई कि गणेश जी के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं उनके भक्तगण। मूषक वाहन पर सवार श्री गणेश की सुसज्जित मूर्ति कैपिटल हाइट्स में यहाँ विराजित की गई है। तो दर्शकों, देखते हैं कल किस प्रकार की थीम रखी जाती है। जानकारी के तौर पर बता दें कि कैपिटल हाइट्स द्वारा विभिन्न कलरों की थीम 10 दिनों के भीतर रखी गई है, तो देखते हैं कल किस प्रकार की थीम है और क्या विशेषता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं मनीष टिमरे, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।